अच्छा जी, बिस्मा सिद्दीकी का सवाल ये था कि बैक और बैक्स प्रोटीन अगर इनहिबिट हो रहे हैं बाय द प्रोटीन्स, तो व्हाई दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी, और माइटोकॉन्ड्रिया में इनका फंक्शन क्या है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे इनका कोई खास फंक्शन नहीं है, इनकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ एपोप्टोसिस के टाइम पे पड़ेगी। अगर ये प्रोटीन्स पहले से सेल के अंदर मौजूद नहीं होंगे तो बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, दैट विल टेक टाइम, और उसके नतीजे में एपोप्टोसिस का प्रोसेस डिले हो सकता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर इस तरह का डिलेड प्रोसेस होगा तो सेल्स जो हैं वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, और आपको मालूम है कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन जो हैं वो पैथोलॉजिक चेंजेस क्रिएट करती हैं, तो वो चीज तो हो नहीं सकती। तो जो चीज आपको रिक्वायर्ड है वो घर में मौजूद रहनी चाहिए, जब जरूरत होगी इस्तेमाल कर ली जाएगी वाली कहानी है। तो जब ग्रोथ फैक्टर्स रिस्पॉन्ड नहीं करते BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स को, तो उसके नतीजे में ये होता है कि बैक और बैक्स प्रोटीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वरना वो इनहिबिटेड फॉर्म में पड़े रहते हैं। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो क्या कहना चाहिए आपका साइटोक्रोम सी है वो रिलीज होता है। अगर बैक और बैक्स प्रोटीन मौजूद नहीं होगा तो साइटोक्रोम सी रिलीज नहीं हो पाएगा। अगर साइटोक्रोम सी रिलीज नहीं होगा तो एपोप्टोसिस नहीं होगी, और एपोप्टोसिस नहीं होगी तो नए सेल्स बन रहे हैं, पुराने सेल्स डिलीट नहीं हो रहे हैं, नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, नई ग्रोथ हो जाएगी, और नई ग्रोथ को न्यूप्लाज्म कहते हैं, दैट इज ट्यूमर और कैंसर। तो इस तरह की कोई चीजें हो सकती हैं। दूसरा सवाल ये था कि ईट मी के बाद से रिपीट करते हैं। देखिए, ईट मी वाला जो प्रोसेस है वो ये है कि आपके पास, इसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए भाई, ये एक मिनट ठहरे, स्क्रीन शेयर हो गया, हैंड रेज कीजिएगा। ओके, ईटमी का जो प्रोसेस है, मैंने ये कहा कि देखें ये एक सेल मेम्ब्रेन है और ये इनर पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का और ये आउटर पार्ट है। ठीक है जी, जो इनर पार्ट है, से फॉर एग्जांपल हम अभी फॉस्फेटिडाइल सीरीन की बात कर रहे हैं, पीएस की, फॉस्फेटिडाइल सीरीन बेसिकली इनर पार्ट पे मौजूद रहता है। ठीक है जी, अब ये जो है, अगर तो नॉर्मल इंटैक्ट सेल है और हेल्दी सेल है, तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन जो है ये इधर इस साइड पे, बाहर वाली साइड पे एक्सप्रेस नहीं होगा। जब ये एक्सप्रेस नहीं होगा तो ऑब्वियसली किसी भी किस्म के जो मैक्रोफेजेस हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे और सेल को किल नहीं करेंगे। लेकिन जब एपोप्टोटिक बॉडी बन जाती है, इस सेल में से एक अदद यहाँ पे यूं बना के, अब हम यहाँ से एक अदद एपोप्टोटिक बॉडी बना देते हैं, तो अब ये जो एपोप्टोटिक बॉडी है इसमें जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन जो अंदर की तरफ था, ये बाहर एक्सप्रेस हो जाता है सरफेस के ऊपर। ठीक है जी, अब ये जैसे ही सरफेस पे एक्सप्रेस हुआ तो ये क्या दे रहा है, ईट मी सिग्नल दे रहा है। ठीक है जी, ये ईट मी सिग्नल, इसके नतीजे में फैगोसाइट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे, यानी ये समझ लें कि ये एक एक तरह से केमिकल इंडिकेटर है, या केमिकल क्या कहना चाहिए इसको, केमिकल सिग्नल है। इस केमिकल सिग्नल के नतीजे में मैक्रोफेजेस जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द एपोप्टोटिक बॉडी और इसको इनगल्फ करके फैगोसाइटोस करेंगे। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन? नहीं है तो हैंड रेज कर दें। ओके, तो मेरा ख्याल पे यहां पे हम इसको एंड करते हैं। ठीक है,